सो हे गाइस, वेलकम बैक माई न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज के इस ब्लॉग में हम बनाने वाले हैं, क्योंकि आज एक थोड़ा सा खास दिन, वो आप वीडियो में बने रहना, तो हम अभी आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो आज हम करने वाले हैं, काफ़ी टाइम से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ, और जब से यहाँ पे आया हूँ ना, तो कम से कम 10 दिन हो गए होंगे मुझे जब से मैं कोई ब्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे टास्क पड़े हुए थे, मेरे जो बैकअप था उसमें मेरे 10-12 वीडियो पड़े हुए थे, जिसको मैं पर डे हर रोज़ एडिट करके डाल रहा था। गाइस, सब हम हेलमेट लेके सब तैयार हो गए हैं, और बाहर का मौसम अभी इतना ज़्यादा अच्छा हो गया, वेदर आप देख के, ये देखो बाहर का मौसम, और हम अभी कपड़े उतार रहे हैं, क्योंकि है ना बारिश भी आ सकती है। तो हमने ना पहले कान्हा जी को हमने नहलाया, उसके बाद हमने काफ़ी ज़्यादा वो करा देखभाल करने के बाद, फिर पूजा करने लगे थे तो ज्योति जल रही थी, तो हमें याद आया कि 12 बजे के बाद पूजा नहीं करते हैं, तो हमने ना वो पूजा करना छोड़ दिया। तो हमने सोचा क्यों ना शाम को करेंगे, ठीक है। हमने कान्हा जी को अच्छी तरह से नहला दिया, और नहलाने के बाद अब हम जा रहे हैं सुरकेश को लेके। बीच में मैंने रेस्ट भी कर लिया थोड़ा सा, क्योंकि खाना खाया था ना, मन नहीं कर रहा था जाने का। तो अब हम अपनी बहनों के साथ अब हम निकलने वाले हैं सुरकेश जी के साथ चूड़ी दिलाने के लिए। फिर मैं सोच रहा हूँ आज इनको इनके डैडी से भी मिलवाऊँगा, और फिर झूला भी झुलवाऊँगा, ठीक है। और सबसे बड़ा काम जो आज हमने करना है, वह तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा हमारे घर में है नहीं, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि कोई बुरी शक्ति या कुछ भी बुरा वक्त आने वाला ना, तुलसी का पौधा सूख जाता है, तो इसलिए मैं तुलसी का पौधा पहले लेके आऊँगा। तो हमने तुलसी का पौधा लेके आना है, और पापा के लिए घर में एक पक्खा लगाना है, तो उसके लिए ऊपर की पाइप लानी है पक्खे की, ठीक है, एक वो लेके आनी है। तो हम अभी तैयार हो गए हैं, सुरकेश भी तैयार हो गया निकल के, तो मैं भी तैयार हो गया। मैं कैसा लग रहा हूँ देख के बताना, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, मैंने खुद ही काट लिए कैंची से, ठीक है। और अब सुरकेश तैयार हो गया, अब तुम कहाँ जा रहे हो, मेरे साथ जाओगे नहीं क्या, ये देखो चल दौड़ लो जल्दी। तो अब हम अपनी धनों के ऊपर सवार होकर के हम जाने वाले हैं। तो मेरा वैसे प्लान बीच में बन रहा है कि ई बाइक की तरफ जाने का, ई बाइक मैं लेने वाला हूँ, तो ई बाइक देखते हैं कब लेते हैं। और क्योंकि गाड़ी से है ना मेरा काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल का खर्चा आ रहा है, महीने का 3-4 हज़ार रुपये मेरा पेट्रोल में लग रहा है। तो आज हम फिर मैं देख रहा हूँ, अगर टाइम बचा तो मैं ई बाइक के शोरूम में भी जाऊँगा। मैं 2 शोरूम में गया था, वहाँ पर 1,00,000 रुपये की पड़ रही थी ई बाइक, तो फिर मैंने उसको मना कर दिया। एक हमारे बजट में आई थी 40 का, तो फिर हमने सोचा क्यों ना हम वो ले लेंगे, पर मैंने बोला क्यों कोई बात नहीं, हम थोड़ा और फाइंड आउट करते हैं। तो चलते हैं, मनी माजा जाने वाले हैं, वहाँ से दीदी के लिए भी लेना है। दीदी का भी फ़ोन आया था, कह रही थी कि अगर आप जैसे हमारे घर से, मतलब जो मेरी वाइफ है सुरकेश, ये अगर ननद को कुछ देगी आज के दिन में, जैसे बिंदी चूड़ी और ये सब, तो शुभ माना जाता है, तो दीदी के लिए भी लेना है। फिर शाम को उन्होंने घर पर भी बुलाया, तो घर पर भी जाएंगे, ठीक है। आप ब्लॉग में बने रहना, और लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। गांव में तो पेड़ होता है ना, रस्सी होती है, लेकिन जो गांव का होता है वो तो आपको पता ही है, शहर का और गांव का बिल्कुल ही अलग होता है, ठीक है। अब जैसे गांव का, ये है शहर का झूला। गांव में क्या होता है, पेड़ होता है, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उसमें रस्सी डालते हैं और रस्सी से पटरी बांधते हैं, फिर उसको झूला झूलते हैं। लेकिन शहरों में आपको इस टाइप का ही झूला मिलेगा। तो हमें भी कुछ, हम लोग भी एक शहर में रहते हैं, बहुत बड़े सिटी में, जिसमें कि झूला झूलने पे मुझे ये वाला झूला मिला है। मौसम एकदम अचानक से बन गया, और बादल देखो ऊपर कितने अच्छे से बन रहे हैं, और मुझे क्या पता इस बादल के पीछे ये राज है, बारिश होने वाला है। हमारे थोड़े ही काम अभी रह रहे थे, तो मैं आया था झूला झुलाने के लिए, क्योंकि आज तीज है, तो सुरकेश ने बताया था कि चूड़ी पहनाते हैं और झूला झुलाते हैं, तो शुभ माना जाता है। तो फिर मैं इसको लेके आया था किसी पार्क में, फास्ट भी रखते हैं, तीज का फास्ट होता है, लेकिन मुझे, मैं भूल रही हूं। इसने सुबह सुबह ही मुर्गे का बच्चा खा लिया, मैं कह यार ये क्या है देखो, तो ये कह रही चल कोई ना जाने अनजाने में, मैं कहा चल ठीक है कोई बात नहीं होता है, अब भेड़ का बकरी का बच्चा ना खा जियो, ठीक है। तो ये हुआ, और वैसे आज फास्ट रखना था, काफी शुभ माना जाता है आज के दिन में। तो हम यहाँ पे आए थे इसको झूला झुलाने के लिए, मुझे नहीं पता था ये सारा चीज़ ये सब भी होता है। तो इस पार्क में आया था, अचानक से बारिश हो गया। अब मैं सोचता हूँ जल्दी से है ना हम यहाँ से अपना जो बाकी पेंडिंग काम है वो सारा ले लेते हैं। बच्चे लोग भी आ गए हैं पीछे एंजॉय कर रहे हैं पार्क में, ठीक है। और हाँ हाँ बिल्कुल क्यों ना कर लो आप। तो मैंने ना पापा के लिए भी पर्स लिया, तो मैंने पापा के लिए भी पर्स लिया, क्योंकि मैंने देखा था काफ़ी टाइम से कि पापा है ना कंघी मारने के लिए थोड़ी दिक्कत हो रही थी उनको, और पर्स पैसे रखने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। तो फिर मैंने ना उनके लिए पर्स ले लिया और एक कंघी ले लिया, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, और वो भी थोड़े कुछ खुश से हो जाएंगे, ठीक है।
और देख लो ये पीछे अच्छा कितना झूला बना हुआ है, और ये पार्क बड़ा मस्त है। आते आते पता नहीं कौन से खोपचे में लेके गई थी, इसके दिमाग में खोपचे ही खोपचे होते हैं सारे, और मैं लेके आया उस पार्क में, देखो कितना अच्छा मौसम है। तो सारे लोग देख रहे थे हमें कि हम कर क्या रहे हैं मतलब, तो मैं कहते लो मुझे को क्या लेना देना। और पीछे देखो इस पार्क के सामने कितना अच्छा सा मंदिर सा बना हुआ है, गुरुद्वारा बना हुआ है। तो ये देखो कैसे लग रहे हैं हम लोग, अच्छे लग रहे हैं। हाँ मजा आ गया। कहते हैं ना चप्पल हम किसी की ले लेते तो उसकी जितनी भी दुख होती है परेशानी होती है शनि ग्रह होता है सारे हमारे पे आ जाता। मैं नहीं ले रहा ठीक है, लो मैं पैर ऊपर कर लेता हूँ। ये लो उठाओ, चलो ठीक है ये लो, मैंने ऊपर कर लिया पैर, ये लो।